राधे राधे मेरे सभी दोस्तों को, आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो. और मेरा नाम परिधि, जैसा कि आप जानते हो. और ये स्टडी विद परिधि की एक न्यू सीरीज से कंटिन्यू फर्स्ट वीडियो होगी, जिसका आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा, जो कि एंजाइटी है. एंजाइटी तो है क्या ये चीज़? ये है कुछ नहीं, घबराहट, जो कि हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है. जब मैंने ये चीज़ नोटिस करी लोगों में, तो मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन में ये पाई गई. मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, 70%, बट मैंने 50% से ज़्यादा में ये चीज़ देखी है. और कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ में कभी ना कभी यू विल फील इट, लाइक जेन्युइनली यू विल फील इट कि यार मुझे एंग्जाइटी लग रही है. तो ये कैसे फील होती है, कैसे पता लगता है? पहले तो बॉडी से भी पता लगता है, फिज़िकली जो हम कहेंगे. आपको पसीना आएगा, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर में भी डाउन हो जाएगा, तो आपके हाथ ऐसे आपने लगेंगे. ठंड से नहीं, क्योंकि इधर मैंने जैकेट पहन रखी है, क्योंकि यहाँ ऑटम आ चुका है, यहाँ ठंड है. ठंड से नहीं, मतलब अगर आप बैठे हैं तो हाथ शेक करने लगेंगे, कांपने लगेंगे, पसीने आएंगे आपको बैठे बैठे. और मान लो अगर आप पब्लिक में बैठे हो, आप रिश्तेदारों में बैठे हो और आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो आप पसीने पसीने होगे. और फिर आप सोचोगे नहीं यार मुझे लोग देख रहे, फिर और पसीना और टेंशन ले लोगे फालतू की. तो ये एग्जैक्टली कैसे ट्रीटमेंट होता है इसका, ये तो आपको समझ आ गया कि ये कैसे है. साइकोलॉजिकल बेसिस पे एंग्जाइटी में दो होते हैं, एक फिज़िकल होता है, एक साइकोलॉजिकल होता है. तो मैंने फिज़िकल तो आपको कैसे बता दिया कि हाथ वगैरह शेक होते हैं, बीपी डाउन चला जाता है, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है हार्ट बीट. तो इसको कैसे ठीक करा जाए, ये जनरली मैं अभी आपको बताने वाली हूँ थोड़ी सी देर में. वीडियो को थोड़ी देर तक और देखिए. तो पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल चीज़ों की, कि कैसे पता लगेगा कि साइकोलॉजिकली कि अगले इंसान को एंजाइटी डिसऑर्डर है या आपको डिसऑर्डर है. तो मैंने बोला घबराहट होती है, घबराहट काफ़ी चीज़ को लेके हो सकती है. आप बैठे हुए हैं, बैठे बैठे यार नहीं मुझे घबराहट हो रही, नहीं मुझे घबराहट, ऐसा नहीं होता है, बट आपके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगेंगे. सपनों की बात करें, सपनों में नाइटमेयर्स, मतलब डरावने सपने, कुछ भी चीज़ को लेके डरावने सपने आपको आएंगे. और अगर बातें करें कि साइकोलॉजिकली, तो आपको मतलब आप बोलोगे यार मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मतलब पता नहीं मैं ओवर स्ट्रेस्ड हूँ. स्ट्रेस और एंजाइटी थोड़ा डिफरेंट है. स्ट्रेस एक लेवल पे होती है, मतलब एंजाइटी इज़ लाइक आपको पता नहीं लग रहा लेकिन फिर भी आप फालतू की टेंशन ले रहे हो. ये वर्ड है फालतू की टेंशन, और अपने आप में थिंकिंग करना, अपने आप में थॉट जनरेट करना, मतलब ज़्यादा ही कुछ सोचना. मान लो बैठे हैं, ठीक है, घर में कोई गया है बाहर, आप सोचो यार उसका एक्सीडेंट हो जाएगा या ऐसे, मतलब ये होता है एंजाइटी. और ये हाई लेवल पर होता है. तो ये कैसे होता है, इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, कॉजेज होते हैं जिसे कहो. एक तो ये जेनेटिकली होता है, मतलब आप के अगर दादा परदादा या फिर आपके मम्मा पापा में है, तो जेनेटिकली आप में भी वो आ गया है. तो काफ़ी में ये फैक्टर होता है कि आप में जेनेटिकली आया है, काफ़ी में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, काफ़ी में फूड चेंजेस होते हैं, या फिर मतलब आपके लाइफस्टाइल चेंजेस से भी एंजाइटी होता है. ये आपके कॉजेज आ गए कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों आता है, और अब क्या करना चाहिए. तो एंजाइटी में क्या पर्टिकुलरली आपने करना चाहिए, वो है कुछ मत करो. पहले तो एक बार टेस्ट करो कि आपको रियल में एंजाइटी है कि नहीं है. उसको क्या करोगे, अभी जैसे मैं बाहर हूँ, मेरे हाथ में ना 24 घंटे लोगों के हाथ में फ़ोन होता है, गाने सुनते रहते, और नहीं तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि कुछ नहीं करते, मतलब 24 घंटे फ़ोन चलाते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे या टीवी देखते रहेंगे. टीवी से ना मेरे को जो पर्सनली मैं फील करती हूँ और एंजाइटी बढ़ती है. मान लो एक स्टूडेंट हो, आप वीडियो देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, और आपने कुछ ज़्यादा ही देख लिया, फिर आपको ये फील होगा यार मैंने पढ़ना था ना, मैं पढ़ी नहीं, मैंने वीडियो टाइम वेस्ट कर दिया. उसी चीज़ को है, इतनी सी बात सोच के इतनी बड़ी बना दी. अगर आप अब पढ़ना भी चाहो ना, तो आप उसको 50% उसका गेन कर पाओगे. अगर यार ऐसे थोड़ा ना होता है, चलो इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढता है. अब सॉल्यूशन मैं बता रही हूँ. पहले तो आप अपना टेस्ट करो. टेस्ट कैसे करोगे, कोई भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, मतलब जहाँ पे थोड़ा नेचर हो वहाँ पे चले जाओ, अकेले जाना और बैठ जाओ,
आधे घंटे मैक्सिमम, मैं आपको आधा घंटा दे रही हूँ, वरना मैं यूजुअली आई वुड रिकमेंड एक घंटा बैठो बिना किसी चीज़ के, लाइक आपके पास फ़ोन नहीं होना चाहिए या कुछ भी नहीं होना चाहिए, जस्ट बैठ के देखते रहो, इधर आसपास देख रहे हो। आप कहोगे कि आपकी जगह आपकी तरह हमारे पास ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है, मतलब ऐसे पेड़ पौधे इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं यार, छत पे चले जाओ, छत तो सबके पास होती है, घर घर की छत पे बैठ जाओ या फिर गली में बैठ जाओ चेयर डाल के, कुछ मत करो ज़्यादा, लेकिन बात नहीं करनी आपने। आप है ना, 5 मिनट भी बहुत मुश्किल होगी आपके लिए बैठना, सबके लिए होता है, जो मेडिटेशन वगैरह करते रहते हैं उनके लिए काफ़ी ईजी होता है, उनके लिए हो जाता है, बट जो हैबिचुअल नहीं होते ना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें क्या करना चाहिए कि अगर आप एन्जाइटी के पेशेंट हो या एन्जाइटी डिसऑर्डर आपको, तो बैठे बैठे ना आपके में बुरे ख्याल आएंगे, लिटरली बुरे ख्याल आएंगे कि यार, मतलब कुछ ना कुछ आप सोचोगे, ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं सोचोगे, सोचोगे पक्का, अगर आपके पास हाथ में कुछ नहीं, फिर आपको सारे काम याद आएंगे। ओ मतलब छोटे छोटे जो आपने ध्यान भी नहीं देते ना, वो भी काम याद आएंगे। ओ मैंने कपड़े प्रेस करने थे, ओ मैंने खाना बनाना था, अच्छा ये पानी भर के रखना था मैंने, मतलब ऐसे ऐसे काम जो ध्यान में भी नहीं थे ना, वैसे वैसे काम आपको सारे याद आएंगे उसी टाइम पे। तो वो नॉर्मल है, अगर एनजाइटी के पेशेंट हो तो आपको बुरे बुरे ख्याल आएंगे, कोई ऐसा हो जाए, हम ऐसे बैठे हुए हैं चक्कर खा के गिर जाए, मतलब बुरे ख्याल, जो कि जनरली कहूँ तो बुरे ख्याल आएंगे। तो उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप में एनजाइटी डिसऑर्डर है। इसके 2 ट्रीटमेंट हैं, अगर दोनों को साथ में लो ना तो ज़्यादा वर्क करता है। अगर आप, आपके एनजाइटी बहुत ज़्यादा है, आप बहुत फील कर रहे हो कि हाँ भाई तुम्हें एनजाइटी डिसऑर्डर है, तो गो फॉर मेडिकेशन, वो तो ऑब्वियसली, बट वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। काफ़ी एंटी डिप्रेशन मेडिसन्स होती हैं, वो ले लो, ठीक है। तो डॉक्टर को कंसल्ट करो, बाकी होते हैं साइकोलॉजिकल, साइकोथेरेपी। तो इसमें क्या होता है ना, साइको का नाम लेते ही लोगों को ऐसा लगता है पागलों का डॉक्टर है, नहीं, आजकल बहुत कॉमन है, काउंसलिंग होती है वहाँ पे, लोग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे या उन्होंने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे आपकी जो प्रॉब्लम है ना, उसको आप ही के थ्रू वो निकालते हैं, मतलब आप खुद ही निकालते हो। हम क्या है ना, हम आपको बस वे दिखा सकते हैं, चलना आपने खुद ही है। तो आप ये याद रखो कि चलना आपने खुद ही है। अब जैसे मैं बता रही हूँ, आप ऐसे भी करके अपना एन्जाइटी का कॉज वगैरह पता कर सकते हो, तो ऐसे आपको पता लग जाएगा यार किस चीज़ के आप बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, ठीक है। अब उसको ठीक कैसे करें, ये तो मैंने बता दिया कैसे उसको पता करें, अब ठीक कैसे करना है। दवाइयाँ वगैरह तो एक फैक्टर हो गया, साइकोथेरेपिस्ट एक फैक्टर हो गया। मान लो किसी के पास पैसा नहीं है, किसी का मन नहीं है जाने का, तो वो लोग क्या करें। तो मैंने बोला कि फूड का भी फैक्टर होता है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी चीज़ें ना हमें लाइव खानी चाहिए, हम लोग खाते हैं डेड, बना लेते हैं। अब आपको ये तो पता है ना, सेल्स होते हैं हर एक चीज़ में, तो सेल्स वो अगर वो डिस्ट्रॉय हो गए और उसको आप खा रहे हो, तो आपको घंटा एनर्जी मिलने वाली है, घंटा आपका दिमाग ढंग से चलेगा। आप मतलब ये तो आप खुद सोचो, जैसे मैं रशिया में रहती हूँ, यहाँ पे लोग ना सैलेड खा लेंगे, इनकी यही डाइट है, पर्टिकुलरली इनकी यही डाइट है, बना के थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा फ्राई करके, कुछ बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करके खा लिया, बेक करके कुछ खा लिया। तो इनकी बॉडी, और जो मैंने रिसर्च करी थी उसके बेसिस पे भी, इनका जो लेवल ऑफ डिप्रेशन वगैरह भी बहुत कम है। हम खाते हैं, कुक करते रहेंगे, काफ़ी बार तो जला हुआ, मतलब काइंड ऑफ वो जला हुआ बाहर का, इतना सारा खाना खा लिया, जंक फूड खा लिया, लोग खाते हैं बट बहुत कम खाते हैं, मतलब इनका तो सारा ऑलमोस्ट जंक ही फूड है, कैन में आता है अपना, वो बॉईल करके खा लेते हैं, तो जंक फूड को भी ढंग से खाते हैं। लेवल ऑफ होते हैं फूड के, सनलाइट प्लांट के ऊपर पड़ती है तो वो 10% एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, उसके बाद वो 5-5% हो जाती जाती है, एक पिरामिड होता है। मान लो प्लांट आया, आपने तोड़ा, उसको वॉश करा एंड उसको कुछ बनाया, तो ऐसे रिड्यूस होते जा रहे, जैसे जैसे जितना उसको काट पीट के कुछ बनाना चाहोगे ना, वो और रिड्यूस होती जाएगी। सब ज़्यादा होते जंक फूड में, ना तो एनर्जी होती है, ऊपर से और आपका दिमाग ख़राब होता है। तो मत खाओ यार,
कुछ नहीं रखा जंक फूड में, टेस्ट टेस्ट देते हैं। हाँ मसाला थोड़ा कम करने की कोशिश करो अगर आप मसाला खाते हो। मैं ये नहीं कहती कि आप सैलेड वाली डाइट पे चले जाओ, अपना नॉर्मल सब्जी रोटी खाओ अच्छे से घी भी लगा के, तो वो खाओ। बट जंक फूड अगर ज़्यादा खाते हो ना तो उसको थोड़ा लिमिट करो, और मसाला भी अगर ज़्यादा डालते हो ना हल्का सा कम कर दो। पानी ज़्यादा पियो, आपकी बॉडी कहती है मुझे पानी दे दो। काफ़ी लोग बहुत पानी कम पीते हैं, बहुत उनको अपने आप ही, तो आपकी बॉडी एक्चुअली होता क्या है ना, सेरोटोनिन एक हार्मोन है उसकी कमी हो जाती है ना, तब ये एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं। तो अगर यार बॉडी को ही प्रॉपर अगर आप तेल नहीं पिला रहे हो तो कैसे चलेगी, आप ये आप ही बताओ। तो उसको भी थोड़ा ग्रीसिंग वगैरह करो, ऑयल डालो उसमें ढंका ऑयल। और यही फैक्टर्स हैं, बाकी अगर आपको ज़्यादा एंजाइटी डिसऑर्डर है तो डॉक्टर से कंसल्ट करो। और पहले तो अपना एक फर्स्ट लेवल पे आप जो मैंने बातें बोली है वो ट्राई करके देखो, वह करता है वेल एंड गुड, वरना डॉक्टर के पास प्लीज़ जाके इसको कंसल्ट कराओ, क्योंकि काफ़ी हद तक ये आपको पूरी आपकी बॉडी आपका माइंड सारी चीज़ें डिस्टर्ब करता है, आपके काम आप ढंग से काम नहीं कर पाते। तो इट्स बेटर कि करवा लो इसको ठीक, अपना ज़्यादा नहीं, ज़्यादा सोचनी ही नहीं है, टेंशन को मिट्टी पाओ, टेंशन लेनी ही नहीं है। मेरी बात सुनो, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का काम होना चाहिए, पता है। लोगों को टेंशन दो यार, अब देखो टेंशन कैसे हो जाती है, पति पत्नी जा रहे हैं ठीक है, और जाके है ना उसके पति को, लड़की हो तो पति को और लड़का हो तो आंटी को, जो भी पत्नी को, उनको नमस्ते या हेलो करके और चुपचाप चले जाओ। मतलब उन दोनों में लिटरली झगड़ा हो जाएगा इस बात, कौन थी वो, कौन था वो, तुम कैसे जानती हो, ओ भाई, मतलब एक सिंपल सी चीज़ के लिए वो तभी कहते हैं टेंशन लो मत, टेंशन दो, तो वही करो और खुश रहो। मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगी, वेर एवर वड एवर वेर एवर आई विश यू अ बेस्ट ऑफ लाइफ फॉर एवर। सो मेरी वीडियो को प्लीज़ अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। शेयर अपने दोस्त में, फैमिलीज में यार कर दो यार, मेरा भी थोड़ा भला हो जाएगा, थोड़ा मेरा भी भला सोच लो, तो शेयर करो ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो, और हम तो है ही आपका। और अगर आपने कुछ सजेशंस देने हैं और कुछ अच्छी नहीं लगी या कुछ बात बोली है, कमेंट कमेंट करो कमेंट। सो बाय। Consistency and progression.